हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी क्लब में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2023 एंड 24 का नया सिलेबस का चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन एंड हैविंग टू वेरिएबल्स, यानी कि उसकी डिग्री हाईएस्ट वन होना चाहिए और जिसमें वेरिएबल्स की संख्या होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, वो टू वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखो, 2x + 3y = 4 है। ठीक है, तो इसमें देखना है हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी वन ही है। ठीक है ना, इसकी हाईएस्ट डिग्री वन है और इसमें देखना है वेरिएबल्स टू है। देखिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पास एक्स एंड वाई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही हो, ए बी सी डी भी हो सकता है। जैसे इसमें है 3a + 4b है। ठीक है, यहाँ पास ए एंड बी जो है आपके वेरिएबल्स हो गए और जिसकी हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, वह वन ही है। ठीक है ना, जैसे 5p + 6q = 8 हो गया। तो इसमें भी क्या है कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं पी एंड क्यू होगा, इसमें एस टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेटिक वाले कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो वन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये 5p + 6q = 8 है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या है। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन को हल कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन सी मेथड है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, वैल्यूज ऑन विच पॉलिनोमियल्स बिकम्स ऑफ अ जीरो आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो वैल्यूज आती हैं पॉलिनोमियल की, उन्हें हम जीरो कहते हैं और वही जो है इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसको सॉल्यूशन किस किस टाइप से किया जाता है, किस किस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट होता है आपका ग्राफिकल मेथड होता है, सेकंड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और जो आपका थर्ड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी ये जो मेथड हैं इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड आपका सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड आपका एलिमिनेशन। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाला है ग्राफिकल मेथड, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जांपल है x + y = 10 है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और दूसरा जो है x - y = 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, जैसे x + y = 10 है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, कोई भी हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, x की प्लेस में रख लेंगे या तो y की प्लेस में रख लेंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना होता है। जैसे कि मान लो कि हम x + y = 10 का बनाना है हमें ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हमें करना क्या, पहले तो हमें x y ऐसे राइट कर लेना है, उसके बाद बॉक्स बना देना है। ठीक है, आप जो है 2-3 वैल्यू तक निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 2 तक ही निकालते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो 3-4 जहाँ तक चाहो आप उतना निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पास हम x की जगह में मान लेते हैं कि 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो x = जो है ये वो 5 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पास x + y = 10 ये हमारी इक्वेशन है, तो यहाँ पास x की प्लेस पे हम 5 रखेंगे प्लस y = 10 कर लेंगे। ठीक है, x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 5 रख लेते हैं, और 5 + y = 10 हो गया, एंड y = ये 5 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 5, तो y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x = 5 है, एंड y = भी आपका 5 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम x = जो है 3 रख लेते हैं। ठीक है, तब x = 3 रखते हैं तो क्या होगा, तो देखो x की प्लेस में अगर हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा प्लस y = जो है 10 हो जाएगा, एंड y = 10 - 3 = हो जाएगा 7। यानी कि y की प्लेस पे हम 7 रख लेंगे और x की जगह पे हमने 3 माना हुआ था, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या है, देखो जो सेकंड इक्वेशन है x - y = 4 है। ठीक है, तो x की प्लेस में हम मान लीजिए कि x की प्लेस में मान लो 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो बॉक्स बना लें हम, ये लॉक को बॉक्स बन गया, और x = मान लेते हैं कि हम जो है 0 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम जो है x की जगह पे 0 रखेंगे, -y = 4 है। ठीक है, सो y = हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, y = हमारा 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पास लेंगे 0 और यहाँ पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं x = 6 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो x = अगर 6 सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा। ठीक है, तो x = अगर हम 6 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा हमारा, तो x - y = 4 है, एंड हमने क्या लेट किया है कि x = हमने 6 लेट किया। ठीक है, तो x = अगर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 - y = क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, और यहाँ पर माइनस का y है, एंड उस साइड जाएगा, तो ये जो 6 है वो भी माइनस का हो जाएगा,
एंड माइनस फोर हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू जो है सिक्स में फोर जाएंगे तो माइनस का टू हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, सो हमने एक्स इक्वल टू सिक्स लेट किया था तो यहाँ पास सिक्स आ जाएगा और यहाँ पास वाई इक्वल टू हमारा टू आ चुका है तो यहाँ पास टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा और ग्राफ में हमें जो है शो अप करना पड़ेगा। ये तो हमने ऐसे बनाया हुआ है, आपको ग्राफ कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है x इक्वल टू फाइव है, तो देखो x इक्वल टू फाइव है तो यहाँ पास फाइव में आ गए हम, एंड उसके बाद y इक्वल टू फाइव है तो y इक्वल टू फाइव एंड x इक्वल टू फाइव, तो देखो यहाँ पास कहाँ पास लगेगा, तो देखो x इक्वल टू फाइव है तो यहाँ पास जो है हम ये देखते हैं x इक्वल टू फाइव, ये यहाँ पास हमारा x इक्वल टू फाइव आ गया, ऊपर ही फाइव है तो दोनों यहाँ पास एक गोला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम जो है एक गोला लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पास क्योंकि दोनों का यहाँ पास x इक्वल टू y इक्वल टू फाइव, यहाँ पास एक गोला हमारा लग चुका। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है x इक्वल टू थ्री एंड y इक्वल टू सेवन है। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे क्या थ्री है और y इक्वल टू सेवन है, यानी कि हम सेवन तक पहुंचाएंगे इसे, ये x इक्वल टू थ्री है y इक्वल टू सेवन है तो ये यहाँ पास सेवन आ रहा है, यहाँ पास हमारा ये गोला लग गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला है हमारा इसको मिला भी लेते हैं, तो इसको हमने जो है ये से मिला भी लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पास लिख भी देते हैं हम, यहाँ पास हम इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या कर लेंगे, ये हमारा फाइव है तो फाइव कॉमा फाइव कर लेंगे और यहाँ पास थ्री कॉमा सेवन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वाली इक्वेशन है तो एक्स इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पास एक्स इक्वल टू जीरो के पास रहेंगे, वाई इक्वल टू फोर है तो यहाँ पास जो फोर वाला है हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू फोर है तो ये यहाँ पास हमारा गोला लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्स इक्वल टू सिक्स है तो एक्स इक्वल टू सिक्स है तो सिक्स में आ गए एंड वाई इक्वल टू टू है तो वाई इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारा गोला लगेगा तो वो जो है हमारे पास टू के पास लगेगा, यानी एक्स इक्वल टू सिक्स एंड वाई इक्वल टू है तो यहाँ पास जो है ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ये गोला लगेगा और उसके बाद क्या करना, इनको हमें मिला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हमने इसको मिलाया तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पास ये जहाँ पास ये क्रॉस हो रहे हैं, जहाँ पास ये क्रॉस होते हैं वही वाला आपका जो आंसर आएगा तो वही आंसर आएगा। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो सेकंड नंबर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो एग्जांपल है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन है, इसको जो फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेंगे और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जो है आपका फोर है, इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें जो एक्स एंड वाई है तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्या करेंगे फ्रॉम टू से कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से हम सॉल्व करते हैं, तो जो एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर है तो हम क्या करेंगे, ये इसके जितने भी माइनस वाई है इसको सब एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई कर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस फोर प्लस वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू हम पहले लेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई है। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एक्स इक्वल टू फोर प्लस वाई है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, यानी कि इक्वेशन वन में हम इसके एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन है। ठीक है, तो यहाँ पास x इक्वल टू हमने 4 प्लस वाई है तो यहाँ पास 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई पहले से है तो प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 एंड यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई इक्वल टू तो यहाँ पास आ जाएगा 4 प्लस तो आपका यही रहेगा और वाई वाई हो जाएगा आपका 2 वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास 2 वाई इक्वल टू 10 यहाँ पास माइनस का 4 कर लेंगे एंड 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पास 6 एंड y इक्वल टू 6 अपॉन 2 कर लेंगे तो 2 3 6। तो देखिए आपका जो y इक्वल टू आएगा तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू 3 आ चुका। अब क्या करेंगे, जो y इक्वल टू 3 आया है आपका तो इसकी जो वैल्यू है वो हम किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो y इक्वल टू 3 आया है इसकी जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं या तो सेकंड में रख लेते हैं, किसी में भी रख लेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इक्वेशन नंबर 2 पे ही रख लेते हैं, तो जैसे आपको इक्वेशन नंबर 2 है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया है 3 आया है, तो यहाँ पास क्या कर लेंगे, x माइनस ये आपका क्या है y इक्वल टू 3 है एंड यहाँ पास 4 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास x इक्वल टू 7 हो गया एंड y इक्वल टू आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपके आ चुके हैं x एंड y की वैल्यूज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड इलिमिनेशन मेथड को। इलिमिनेशन मेथड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल मान लेते हैं हम जो है x प्लस y इक्वल टू क्या करना है 10 आ जाएगा एंड x माइनस y इक्वल टू जो है 4 ले लेते हैं, वही एग्जांपल जो पीछे वाले हैं
तो जिससे आपको क्योंकि कोई भी मेथड का यूज़ करेंगे आंसर सब में सेम ही आएगा। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि x एंड y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पास पहले से इक्वल है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पास क्या करेंगे, x x की वैल्यू सेम है, y y की वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पास वैल्यू क्या है, यहाँ पास प्लस है एंड यहाँ पास माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पास प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे तो देखो x x है तो यहाँ पास तो आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पास y और y ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पास नहीं बचेगा। और यहाँ पास प्लस कर लेंगे तो 10 4 14 हो जाएगा, एंड x 2x इक्वल टू 14 है तो x इक्वल टू आपका 14 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से मिले 14, तो x इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। और ये जो 7 आया जिसकी जो वैल्यू है हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, x प्लस y इक्वल टू हमें यहाँ पास 10 है, तो यहाँ पास x इक्वल टू 7 आया है तो यहाँ पास 7 राइट कर लेंगे, यहाँ पास 7 प्लस जो है 3 नहीं, यहाँ पास y करना है हमें, तो यहाँ पास ही y कर लेंगे, गलती से 3 हो गया। तो एंड y इक्वल टू हमारा 10 माइनस जो है 7 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो x इक्वल टू हमारा 7 आ गया एंड y इक्वल टू हमारा 3 आ गया, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।